नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और इस वीडियो में आपको बताऊंगा आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के बारे में, जो कि हमारे भारत सरकार ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है आज ही की तारीख में। और इस एप्लीकेशन का जो बेनिफिट है वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस एप्लीकेशन का बेनिफिट ये है दोस्तों कि इस एप्लीकेशन अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल होगा तो आपको पता चलेगा कि आप कोरोना के मरीज़ से मिले हो या आपके आसपास से वो गुजरा है। ये सारी जानकारी आपको इस एप्लीकेशन में बताई जाएगी। तो इस एप्लीकेशन को कहाँ से डाउनलोड करना है, इसको आपको कैसे रजिस्टर करना है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखते रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन अगर आपको प्ले स्टोर पर अगर आप सर्च करके नहीं आ रहा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि अभी अभी नया लॉन्च हुआ है तो प्ले स्टोर में सर्च में आने में इसको टाइम लग सकता है। तो देखिए मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। मैं इसको भी ओपन करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपका टेस्ट भी इस एप्लीकेशन में हो जाएगा और ये एप्लीकेशन आपको 13 लैंग्वेजेस में मिल जाएगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे लैंग्वेज हम राष्ट्रभाषा हिंदी लैंग्वेज लेंगे, ठीक है, जो हमारी राष्ट्रभाषा है। मैं हिंदी चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे बताया जाएगा हम सभी में भारत में फैल रही कोरोना वायरस महामारी को रोकने की क्षमता है। ये आपको मोटिवेशन यहाँ पे थोड़ा दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करेगा दोस्तों कि ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको ब्लूटूथ या लोकेशन को स्विच ऑन करना है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ इसको नेक्स्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आपको रजिस्टर करे पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर रजिस्टर करे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ परमिशन को मांगेगा, तो आपको मैं सहमत हूँ पे क्लिक कर देना होगा। सहमत हूँ पे आपको क्लिक कर देना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ पे अलाउ कर देना होगा। और यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर डाल के आपको वेरीफाई कर लेना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो देखिए गाइज, मैंने यहाँ पे मेरा जो है अकाउंट यहाँ पे लॉगिन क्रिएट कर लिया है। अभी यहाँ पे अपना जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगेगा, क्योंकि वो ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पे आप अपनी आपकी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करिए। देखिए यहाँ पे मैंने हिंदी में किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे पूरा नाम डाल देना है। मैं भी यहाँ पे फटाफट से डाल देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आपको आपके साथ समाज में बाकी का भी ध्यान रखना है, ठीक है। आपके परिवार में भी आप सबके रजिस्ट्रेशन इस एप्लीकेशन में कर दो, उनके फ़ोन से। यहाँ पे आपका आपका एज डालनी है, यहाँ पे आपका जो है व्यवसाय डालना है, ठीक है। तो मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, तो मैं यहाँ पे इनमें से कोई नहीं पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे पूछ रहा है कि पिछले 30 दिनों में आपने विदेश यात्रा की है, तो मैंने तो नहीं की है। तो यहाँ पे आप नन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपने की है तो आप यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करके आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्किप भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ रहा है कि आप सुरक्षित हैं, कोरोना वायरस के संक्रमण का आपको कम जोखिम है, सॉरी। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे सेफ है बोला जा रहा है, पर आपको अगर लक्षण दिखते हैं तो देखिए यहाँ पे उन्होंने स्टेट वाइज नंबर दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे COVID-19 सहायता केंद्र, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर स्टेट वाइज दिए हुए हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमारी सरकार इसके लिए बहुत तत्पर है। तो आप यहाँ पे जो आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट का यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे और सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो आप डॉक्टर के साथ बात करके उनको पूछ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी वायरल जो कि फीवर आता है, तो आप उससे भी जो है डर जाते हो कि आप अगर बाहर से कहीं ट्रैवल करके आए हो तो आपको कोरोना के लक्षण नहीं होते, फिर भी आप डर जाते हो, तो आप डॉक्टर के साथ बात करके आपकी समस्या का सुझाव ले सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।